दोस्तों सेल्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी बात की जाए कम है, और यही एक ऐसा एरिया है जिस पर आपके स्टार्टअप की सफलता टिकी है। आज YouTube पर सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड ढेरों वीडियो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर स्टार्टअप्स अच्छे कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट होने के बावजूद भी सेल्स करने या इसे बढ़ाने में असफल हैं। क्या है वजह? दोस्तों आपको ये समझना होगा कि आज के समय में सेल्स करने के लिए गंजे को कंघी बेचने वाले टाइप की ट्रिक्स यूज़ नहीं की जा सकती, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सेल्स नहीं की जा सकती। कोई भी कस्टमर या आप भी नहीं चाहते कि कोई भी आए और अपना प्रोडक्ट चिपका के चला जाए। आज के इस डिजिटल युग में कस्टमर पहले से बहुत ज़्यादा अवेयर है, कुछ भी खरीदने से पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, इंटरनेट पर कंपेयर करता है, ऑनलाइन रिव्यू चेक करता है और अपने बाइंग डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेता है। इसलिए आज की डिजिटल दुनिया में सेल्स के लिए अपनाई गई ये ओल्ड ट्रिक्स अब किसी काम की नहीं है। आज के समय में आप सेल्स को बाय प्रोडक्ट समझ के ही सेल कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑडियंस के बाइंग बिहेवियर को समझ गए और इन्हें इस तरीके से एजुकेट कर गए कि उनका बाइंग डिसीजन आपके फेवर में ही जाए, तो सेल्स अपने आप हो जाएगी। यानी कि आज के समय में सेल्स पे फोकस करने की बजाय बायर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने पर काम किया जाए, तो सेल्स की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसे ही आज डिजिटल सेल्स मेथड या न्यू एज सेल्स मेथड कहा जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुपर एक्साइटेड हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आने पर लाइक करें। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर करें ताकि सभी स्टार्टअप इस मेथड का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएं। साथ ही दोस्तों, मैंने आपके लिए एक ऐसा कोर्स भी डेवलप किया है जो आपको आपके स्टार्टअप के शुरुआती दौर में मदद करेगा। इस कोर्स में 13 वीडियोस, 15 बुकलेट्स एंड 2 लाइव सेशन हैं। ये कोर्स आप सभी के लिए फ्री है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। मेरी ये अपील है दोस्तों कि ये कोर्स आप एक बार जरूर देखें। फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। दरअसल ये कोर्स मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज़ करके बनाया है। इसके ऑनलाइन लाइव सेशन के माध्यम से आप लोगों से मेरी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हासिल हो सके, इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है। चलिए जानते हैं क्या है ये न्यू एज सेल्स मेथड, जिन्हें अगर आप अपने स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट कर गए तो ये मेरी गारंटी है कि कम से कम आप अपनी सेल को 10 गुना बढ़ा ले जाएंगे। इस न्यू एज सेल्स मेथड को आप 3 स्टेप में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है न्यू कस्टमर को एक्वायर करना। किसी भी बिजनेस के लिए न्यू कस्टमर को एक्वायर करना इतना मुश्किल भी नहीं है, पर सवाल ये है कि किस कॉस्ट पर। एक बिजनेस के लिए न्यू कस्टमर को सेल करना एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेल करने के मुकाबले महंगा सौदा ही साबित होता है, लेकिन एक स्टार्टअप के लिए नए कस्टमर को एक्वायर करना मजबूरी भी है। ऐसे में न्यू एज सेल्स मेथड कहता है कि न्यू कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। पर कैसे? दोस्तों, अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप कर लें जो आपके लिए कॉस्ट कम करे और कस्टमर के लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में हाथों हाथ लिया जाएगा, जिससे आपका स्टार्टअप या बिजनेस सेम या कम मार्केटिंग कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर करके आसानी से एक बड़ा कस्टमर बेस बना पाएगा। दोस्तों, दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंड द इमीडिएट नेक्स्ट नीड ऑफ एक्वायर्ड कस्टमर। एक बार जब आप न्यू कस्टमर एक्वायर कर लेते हैं तो आपको अब ये पता करना होगा कि अब ऐसे कस्टमर की इमीडिएट नेक्स्ट नीड क्या होगी जो आप पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्वायर किए हुए कस्टमर के डेटा को सेग्रीगेट करना होगा, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटानी होगी, उनकी आगे की ज़रूरतों को समझना होगा, उनके बाइंग बिहेवियर और पैटर्न को भी समझना होगा। एक्वायर्ड कस्टमर के डेटा को एनालिसिस करने के बाद आपको डेवलप करने होंगे वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आपके एक्वायर्ड कस्टमर की इमीडिएट नेक्स्ट नीड को पूरा कर सकें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज में आपका मार्जिन अच्छा होना चाहिए, या ये ध्यान रख के प्लान करें कि एक दिन ऐसा आए कि आपको न्यू कस्टमर एक्वायर करने की ज़रूरत बहुत ही कम हो जाए। आप जितना भी बिजनेस करना चाहते हैं वो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर की नीड को फुलफिल करके ही पूरा कर पाएं, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेल करना न्यू कस्टमर को सेल करने के मुकाबले हमेशा ज़्यादा फायदेमंद रहता है। दोस्तों, थर्ड स्टेप है एक्सट्रैक्ट रियल वैल्यू ऑफ कस्टमर।
आज के समय में सेल को इंक्रीज करने के लिए लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं होगा, तब तक आप एक एक्वायर्ड कस्टमर की रियल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। कस्टमर की रियल वैल्यू का मतलब है कि एक कस्टमर अपने जीवन काल में आपको कितना बिजनेस दे सकता है। आपको ये पता करना होगा कि एक कस्टमर की लाइफ आपके बिजनेस के साथ कितनी है, और इस लाइफ को बढ़ाने के लिए आप और नए प्रोडक्ट या सर्विसेज अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। एक एक्वायर्ड कस्टमर की लाइफ आपके बिजनेस के साथ जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही उसकी रियल वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों, कस्टमर की रियल वैल्यू का होना और उसे वसूलने में उतना ही फर्क है जितना कि किसी रास्ते को जानने में और उस पर चलने में है। इसके लिए न्यू एज सेल्स मेथड कहता है कि आपको एक कस्टमर ग्रेजुएशन सिस्टम डेवलप करना होगा, उसे एजुकेट करना होगा बिना इस बात पर ध्यान दिए कि इस एजुकेशन से सेल्स होगी या नहीं। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो कि विद और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट के बारे में आपके कस्टमर को पूरी तरह से एजुकेट कर दे। लेकिन दोस्तों, न्यू एज सेल्स मेथड को अप्लाई करने के लिए 5 प्री रिक्विजिट भी जानने जरूरी हैं, जिनके बिना आप इस मेथड को इफेक्टिवली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहला है प्लान योर हुक्स। सेल्स में हुक्स का इस्तेमाल एक कस्टमर को खाली हाथ जाने से रोकने के लिए या आपके पास वापस आने पर मजबूर करने के लिए किया जाता है। आपको बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अपने बिजनेस के लिए हुक्स तैयार करने होंगे, जो कि किसी ऑफर, कूपन, डिस्काउंट, फ्री सर्विसेज, फ्री प्रोडक्ट, एडिशनल बेनिफिट, अपनी सक्सेस स्टोरी, हेल्प ऑफर करने के रूप में हो सकते हैं। गारंटी, वारंटी, आपके बिजनेस के पॉजिटिव रिव्यू के रूप में भी हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरी प्रीरिक्विजिट है क्रिएट सेल्स एंड मार्केटिंग एसेट। आपको अपनी कंपनी के लिए काफ़ी सारी एसेट क्रिएट करनी होगी आपके कस्टमर को अपने बिजनेस को ब्रांड के रूप में दिखाने के लिए। ये एसेट्स आपके वीडियोस, प्लेलिस्ट, लैंडिंग पेजेस, ग्राफिक्स, मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया पेजेस, आपके प्रपोजल फॉर्मेट, प्राइस लिस्ट, टीम एंड ऑफिस पिक्चर्स, कॉर्पोरेट प्रोफाइल, ऑफिस सेटअप के रूप में हो सकती हैं। दोस्तों, तीसरा है क्रिएट ए रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम फॉर योर सेल्स टीम। आपकी सेल्स टीम की रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम को डेवलप किए बिना न्यू एज सेल्स मेथड को अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेल्स टीम ही है जो फर्स्ट टाइम क्लाइंट या कस्टमर से इंटरेक्ट करती है। केवल सेल्स पे कमीशन या इंसेंटिव दे देने भर से और ये मान लेने से कि सेल्स टीम खुद से आपके प्रोडक्ट या आपकी एक्सपेक्टेशन को समझ जाएगी, ये आपका भ्रम है। दोस्तों, नेक्स्ट है सेटअप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर आपके बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। आज के डिजिटल युग में अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो पब्लिकली आपके बिजनेस की इमेज अच्छी होनी ही चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि आप और आपकी टीम कस्टमर की शिकायतें सुनना ही नहीं चाहते। किसे अपनी बुराई सुनना पसंद है? लेकिन अगर बिजनेस बड़ा करना है तो आपको और आपकी टीम को ऑब्जेक्शन को अपॉर्चुनिटी में बदलना सीखना ही होगा। अदरवाइज एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर ही काफ़ी है आपकी सारी मेहनत पर पानी फेरने के लिए। आपको और आपकी टीम को ये समझना होगा कि दाग अच्छे हैं। जो भी शिकायतें आएंगी वो आपको बताएंगी कि कहाँ इम्प्रूव करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है नो सेल लिस्ट प्रिपेयर करना। कस्टमर या क्लाइंट के बारे में चूजी होना बहुत जरूरी है। हर इंक्वायरी करने वाला प्रोस्पेक्ट आपका कस्टमर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एक नो सेल लिस्ट भी बनानी होगी कि किस तरीके के ऑडियंस को हम अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं बेचेंगे। जैसे कि नो सेल टू फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, नो सेल टू पीपल हु मोर फोकस ऑन बार्गेन रादर देन वैल्यू, इत्यादि इत्यादि। अगर आपके पास इस मेथड को अप्लाई करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प मौजूद नहीं है तो फ्री कंसल्टिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर या मेल आईडी पर कॉल या मेल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो मैंने न्यूसोर्स के मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसकी मदद से आप ये सारा प्रोसेस बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम आगे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और ध्यान रहे, अगर आप ऐसे किसी अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। स्टे होम एंड स्टे सेफ।
क्योंकि अब आपको अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। न्यूसोर्स है आपकी स्टार्टअप रिलेटेड नीड को घर बैठे पूरा करने के लिए। सो गाइस स्टे इन टच एंड मेरे कोर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।